तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक और नई वैकेंसीज के बारे में है। इससे पहले भी एक वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, अब ये दूसरे वैकेंसीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या वैकेंसी के बारे में बताना और उसे अप्लाई करना ये पर्याप्त है? ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए, क्योंकि वैकेंसीज देखते हैं, अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन होता नहीं है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर मैं काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ आर्टिकल्स और वीडियोस बनाए थे कि Naukri.com पर CV सेलेक्ट क्यों नहीं होता, क्या वजह होती है उसकी। इसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, इसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ। और चैनल पर इनके वीडियोस देखिए, एक बार देखिए ज़रूर, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी CV में क्या कमी है। आप लोग खाली वैकेंसीज देखेंगे, अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका CV सेलेक्ट होगा नहीं। तो एक बार देखिए ज़रूर वो वीडियो को। ये यहाँ पे आई बटन में ऊपर आई कार्ड में लिंक है, और जब ये वीडियो ख़त्म होगा उसके लास्ट में भी लिंक डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। एक बार ज़रूर देखिए उस वीडियो को और एक मंथन करिए, एक सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर CV सेलेक्ट क्यों नहीं होता। मैंने उसमें सब कुछ बताया, टेक्निकल चीज़ें जितनी है, कीवर्ड्स के बारे में, CV के फॉर्मेट के बारे में, प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, कौन से स्किल्स हमको सेट करने हैं, ये सभी चीज़ के बारे में। और फिर भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कुछ सर्विसेज लॉन्च की है, जैसे कि CV को कैसे टेक्निकली स्ट्रांग बनाना है, CV कैसे अच्छा CV लिखना है, बहुत चीप रेट्स में 150 रुपये की सर्विसेज है। तो और Naukri.com पर जब CV अप्लाई करेंगे, तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, सपोज़ मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है SPECL रिक्रूटमेंट, यानी कि सापोजी पालोनजी रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज़ के बारे में मैंने यहाँ बताया है। इसमें आप अप्लाई करने जा रहे हो, मान लो इसके लिए एक प्लानिंग इंजीनियर की वैकेंसी है इसमें, ये देखिए प्लानिंग इंजीनियर की वैकेंसी के लिए यदि मान लो आप अप्लाई करते हो, इसमें 4 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और तेलंगाना उड़ीसा लोकेशन है। इसमें देखने की बात यह है कि इसमें जो की स्किल्स बताया हुआ है, जैसे कि कॉम्प्रीहेंड कस्टमर नेसेसिटी नीड्स, प्लानिंग ऑफ क्वालिटी प्लान्स, प्रोसीजर ऑफ एक्सक्यूशंस, तो ये क्या सब आपके CV और प्रोफाइल में ये जो की स्किल्स हैं, ये इनके कीवर्ड्स आपके CV प्रोफाइल में मेंशन है क्या? यदि ये सब मेंशन नहीं है तो आप CV मत डालिए, आपको सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि CV स्कोर हो गया, प्रोफाइल कंप्लीटनेस हो गया, कीवर्ड्स हो गया, स्किल्स हो गई, प्रोफाइल CV के लेआउट्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और उसको कैसे सेट करना है, कैसे सही CV बनाना है, इन सब के बारे में मैं वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिए। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी CV आपको नौकरी के लिए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो चलिए आप देख लेते हैं वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें प्लानिंग इंजीनियर की वैकेंसी है, फिर उसके बाद मैनेजर सीनियर मैनेजर कंस्ट्रक्शंस के लिए वैकेंसी है, फिर उसके बाद एक वैकेंसी है मटेरियल टेस्टिंग इंजीनियर क्वालिटी के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। इन सबको अप्लाई करने के लिए सीधे लिंक पर क्लिक करना है, आप अप्लाई लिंक में चले जाओगे Naukri.com थ्रू या इसकी वेबसाइट्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर सीनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एडमिन के लिए वैकेंसीज़ है, ये सब वैकेंसीज़ है, ठीक है। और यदि आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए है, बहुत चीप रेट्स में है, तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अप्लाई करिए दोस्तों और CV को अपडेट करिए, CV को जितना स्ट्रांग बनाएंगे आपके CV सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, मैं अपनी वेबसाइट्स, ये मेरी वेबसाइट्स है, यहाँ पर ये बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, CV स्कोर क्या होता है और नौकरी ढूंढने में ये कैसी मदद करता है, यही सब टेक्निकल चीज़ें हैं ये जो आपको जाननी ज़रूरी होती हैं। तो इस पर भी एक छोटी सी नज़र मार लीजिए, काफ़ी बड़ा आर्टिकल लिखा था मैंने, काफ़ी Naukri.com, Sign.com और बहुत सारी वेबसाइट्स में देख देख के कि आखिर भाई CV के लिए इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिक्रूटर्स क्या देखते हैं CV में, ये सब के बारे में मैंने जानकारी दी थी। ये CV का स्कोर क्या होता है, तो एक थंबनेल से ही आप पहचान रहे होंगे, इसमें लो स्कोर CV है, एक हाई स्कोर CV है। और इसमें जिनका लो स्कोर होता है, CV स्कोर क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए।
दोस्तों कोई भी सीवी होता है उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट होता है, तो उनके पैरामीटर्स के अंतर्गत इनको स्कोर किया जाता है। वो पैरामीटर्स यदि पास करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आता है, और पैरामीटर फेल करते हैं तो स्कोर कम आता है। तो जिन बंदों का लो सीवी स्कोर रहता है तो उनके कोई भी कंपनी में रिजेक्ट होने के चांस बढ़ते हैं, और हाई स्कोर सीवी वाले के इसमें सेलेक्ट होने के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको सीवी स्कोर को बढ़ाने में फोकस करना है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सर्च अपीयरेंस, यानी सर्च अपीयरेंस मतलब आपका सीवी जो होता है रिक्रूटर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कुछ सर्विसेज के बारे में भी जानकारी दी है, तो आप उन सर्विसेज को भी देख सकते हैं। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और फिलहाल अभी यही इस वैकेंसी को अप्लाई करिए और सीवी को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। और कुछ भी आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आप अपना सीवी का स्कोर जानने की कोशिश करिए। धन्यवाद।